सब जंत गरारी मयन तनत शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी मयन तनत शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी मयन तनत शीश झुकाऊं हे केशव कुंज बिहारी तेरे संग मेरा धारानी लगती है प्यारी प्यारी तेरे संग मेरा धारानी लगती है प्यारी प्यारे तेरे संग मेरा धारानी लगती है प्यारी प्यारे अरे मैं तो बल बल जाऊं धर्म गिरधारी अरे मैं तो बल बल जाऊं मेरा धर्म गिरधारी अरे मैं तो बल बल जाऊं मेरा धर्म गिरधारी मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी मुरारी हे माधव मदन मुरारी हे माधव मदन मुरारी हे केशव कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी हे केशव कुंज बिहारी हे माधव मदन मुरारी हे केशव दंत मुरारी मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी हे मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी मेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले मैं तो नित बल बल जाऊं हे राधा रमण गिरधारी मैं तो नित बल बल जाऊं हे राधा रमण गिरधारी मैं तो नित बल बल जाऊं हे राधा रमण गिरधारी मैं मंगल तेरी गाऊं हे माधव मदन मुरारी 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 बोले लाडली लाल की महाराज। कल की कथा में हम आप सब भगवान द्वारकाधीश और मैया रुक्मणी के विवाह का सुंदर आनंद लिए और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के और भी कई विवाह हुए हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दगधः प्राग रुद्र मयुनना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। बोले जो कामदेव हैं वो भगवान के अंश हैं और भगवान कामदेव को भूत भावन भगवान शिव ने भस्म किया था, उसके बाद में उनका फिर महाराज जन्म नहीं हुआ और बड़ा सुंदर समय आया। महारानी रुक्मणी जी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है जिसका भगवान ने नामकरण करवाते हैं आचार्यों से, तो बोले इनका नाम प्रद्युम्न होगा। बोले प्रद्युम्न महाराज की जय हो। प्रद्युम्न 10 दिन के हुए हैं कि संबरासुर नाम का एक राक्षस महाराज प्रद्युम्न को भगवान के द्वारिकाधीश के महल से चोरी करके ले जाता है और ले जा करके एक समुद्र में फेंक दिया। वहां बड़ी सी मछली प्रद्युम्न को निगल गई। एक बहेलिया आकर के महाराज मछुआरा मछली को पकड़ता है और उस मछली को लेकर के कहां गया, उसी संबरासुर के यहां गया, उसी के किचन में पहुंच गई मछली। अब माया नाम की एक रसोइयां बनाने वाली दासी है संबरासुर की, उसने जब मछली को फाड़ा तो उसके पेट से एक नन्हा सा बालक प्रकट होता है, वही प्रद्युम्न जी। तो
दासी ने कहा हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए भगवान ने हम पर कृपा करके इस संतान को दिया है और मैं इसका लालन पालन करूंगी, परवरिश करूंगी। भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा महाराज। और शंबरासुर को आभास हो गया कि ये वही बालक है, प्रदुम्न नहीं है, क्योंकि जब वो देखे तो उसमें शत्रुता भाव दिखे ऐसा महाराज। महामाया नाम की विद्या भी सिखाया उस दासी ने प्रदुम्न जी को। और वैष्णवी माया जो सबसे ऊपर की माया है, वह वैष्णवी माया भी प्रदुम्न जी को प्रदान करती है। प्रदुम्न जी ने धीरे धीरे बड़े होकर के क्या किए, एक दिन शंबरासुर के राज दरबार में पहुंचते हैं और बड़ी जोर से ललकारते हैं। शंबरासुर ने भी भगवान प्रदुम्न जी को खरी खोटी सुनाई, देखते ही देखते प्रदुम्न जी ने शंबरासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले शंबरासुर को हरण करने वाले प्रदुम्न महाराज की जय हो। उसका पतन हुआ महाराज, पापक्रम को समाप्त करके धर्म का विस्तार करते हैं। और जो माया नाम की दासी थी वह महाराज स्वयं रति थी, तो जब प्रदुम्न जी को स्नान आदि करवावे तो प्रदुम्न जी प्रेम भरी निगाहों से देखे, वह माया समझ न पाए कि ये क्या हो रहा है। तो नारद जी आए और नारद जी आकर के बताते हैं कि हे देवी, तुम पूर्व जन्म में रति थी और ये तुम्हारे पति कामदेव हैं और ये भगवान द्वारकाधीश के अंश से उत्पन्न हुए हैं ऐसा महाराज। तो वह बार बार भगवान श्री नारद जी को प्रणाम करते और आकाश मार्ग से प्रद्युम्न जी को लेकर के द्वारिका नगरी पहुंचे, क्योंकि वह आकाश मार्ग में भी चलना जानती थी। और जब द्वारिका पहुंची तो मैया रुक्मणी जब प्रद्युम्न जी को देखते हैं तो 10 दिन की अवस्था में गायब हुए थे और किशोर अवस्था में मिलते हैं 10-12 वर्ष के बाद, तो भला पहचानना मुश्किल होता, हमारा पहचान नहीं सकता। लेकिन मैया रुक्मणी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी तो मैया ने सोचा क्या ये वही बालक है शायद जो हमारे द्वारा जन्म हुआ और 10 दिन का ही था। उसके बाद में उसको शंबरासुर उठा करके ले गया। उसी समय भगवान वासुदेव अपने माता पिता को लेकर के पधारते हैं और भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, सारा वृतांत मैया रुक्मणी को बतलाते हैं कि यह वही बालक है, प्रदुम्न नहीं है, जिसका जन्म आपके गर्भ से हुआ है। मैया रुक्मणी प्रदुम्न जी को हृदय से लगा लेती है महाराज। ये भगवान की कृपा हुई और समय व्यतीत होता गया। द्वारिका नगरी में ही सत्राजित नाम का एक भगवान सूर्य का भक्त है महाराज। वो भगवान सूर्य की बड़ी तपस्या करता भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। जपा कुष्म संकाशम काशपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्व पापाघ्नम प्रणतो वस्म दिवाकरम। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और श्यमंतक नामक एक सुंदर मणि प्रदान किया सत्राजित को। सत्राजित उस मणि को लेकर के धारण करके एक दिन भगवान द्वारिकाधीश के राज दरबार में पहुंचता है तो दूर से मंत्रियों ने देखा तो ऐसा लगा स्वयं भगवान सूर्य चल करके आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। तो भगवान कहते नहीं, भगवान सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये भगवान सूर्य का परम मित्र है, शिष्य भी है और मित्र भी है, सत्राजित है, जिसको भगवान ने एक सुंदर श्यमंतक नाम की मणि दिया हुआ है। और यह मणि जहाँ रहती 8 भार सोना प्रतिदिन देती है और जहाँ निवास करेगी किसी प्रकार का दुर्भिक्ष, किसी प्रकार की महामारी, दरिद्रता वहां पर निवास नहीं कर सकती, ये इसका पूर्ण फल है महाराज। तो कुछ ने कहा उसी दरबार में बैठे हुए कि अगर राज्य में कोई अमूल्य वस्तु है वो राजा की होनी चाहिए। भगवान ने कहा नहीं,
हमें हमारे राज्य की पूरी तरह से जीविका चलाने में सक्षम है। हमारे द्वारिका में किसी प्रकार का किसी वस्तु पदार्थ का कोई कमी नहीं है। जो हम अगर किसी के पास अमूल्य वस्तु है उसको ले आए, जो जिसके पास है वो अपना अपने अनुसार उसका उपयोग करे, प्रयोग करे। महाराज सत्राजित तो चला गया। एक दिन क्या हुआ कि प्रसेनजित सत्राजित का छोटा भाई है, उसने सोचा कि मैं तो वन जा रहा हूँ शिकार खेलने, लेकिन भैया को कोई समझा बुझा करके मणि ना ले ले, क्योंकि द्वारिका में ये बात फैल गई थी। तो उसने उस मणि को धारण कर लिया और धारण करके वन की ओर चला गया। अब वहां वन में महाराज एक सिंह बलपूर्वक प्रसेनजित का हत्या करके मणि को छीन लेता है, और उस सिंह को भी एक ऋक्षराज स्वयं महाराज जामवंत जी मार करके मणि को छीन लिए, और जामवंत जी की एक सुंदर कन्या है जामवंती ले जा करके उसको दे दिए। मणि को खेलने लगी अपनी गुफाओं में बैठ करके। अब चार पांच दिन बीत गए, सत्राजित को चिंता हुई भाई लौट करके नहीं आया, तो उसने लांछन लगा दिया भगवान पर कि शायद हो सकता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मणि के लिए मरवा दिया। बात फैल गई द्वारिका में, दाऊ भैया क्रोध के हल लेकर के दौड़ पड़े कि अभी मैं सत्राजित का वध कर दूंगा, प्राणांत कर दूंगा, उसकी हिम्मत कैसी हुई बोलने की। लेकिन भगवान समझाते हैं, दाऊ भैया क्रोध करना व्यर्थ है, अगर कोई कलंक लगावे तो उसका मूल कारण क्या है, उस कलंक को समाप्त करना चाहिए, ऐसा नहीं कलंक लगाने वाले को ही समाप्त कर दो, फिर तो कलंक और ज्यादा लग जाएगा। इसका ठीक ठीक पता लगाते हैं कुछ यदुवंशियों को लेकर के भगवान, और जहां पर सत्राजित का भाई प्रसेनजित शिकार खेलने गया उसी तरफ जाते हैं। वन में पहुंचे तो देखते हैं कुछ झाड़ियां, महाराज वहां पे एक नील वर्ण का पटका पड़ा हुआ दुपट्टा, घोड़े के पांव बने हुए हैं। फिर देखते हैं कि जो छोटे छोटे पौधे पूरी तरह से रौंदे हुए हैं और सिंह के चरणों का चिन्ह दिख रहा है। उस चिन्ह को देख करके आगे बढ़ते हैं तो वहां भी ऐसा लग रहा जैसे किसी ने युद्ध किया हो, छोटे छोटे पेड़ पौधे सब रौंद डाला हो। फिर भगवान ने कहा यहां भी सिंह को किसी ने मार करके और वह मणि ग्रहण करके गया हुआ है। देखते हैं, अरे ये तो ऋक्षराज का चरण चिन्ह है किसी भालू का। फिर उस चिन्ह को देखते हुए जब आगे बढ़े तो गुफा के द्वार तक वो चिन्ह जाती है, अंधकार छाया हुआ है उस गुफा में। मारा भगवान ने विचार किया कि हमको इस गुफा के भीतर ही जाकर के सही सही पता लगेगा, लेकिन यदुवंशियों ने रोका कि हे द्वारिकाधीश, आपका इस प्रकार से इस गुफा में जाना अकेले उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे से अपरिचित जगह है, कोई परिचित नहीं है, किसी भी दैत्य आदि का हो सकता है, कोई माया हो सकती है यहाँ पे। भगवान ने कहा नहीं, अब हमको इस प्रकार से चिंता नहीं करना चाहिए, समस्त चिंताओं को छोड़ करके जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य का निर्धारण करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस चिंता में डूबे रहें कि हमारे साथ माया होगी, ये क्या है, या हमको प्राणों का मोह है, तो हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने कहा आप कुछ समय तक यहाँ ठहरना, और जब कई दिन बीत जाएंगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊंगा तो जा करके बाबा और मैया को संदेश दे देना मेरा। भगवान गुफा में प्रवेश कर गए, वहां देखते एक सुंदर कन्या बैठी हुई है महाराज, मणि के साथ खेल रही है। तो वह कन्या ने जब देखा कि ये कोई अपरिचित पुरुष भीतर घुसा हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में जामवंत जी महाराज दिग्घोष करते हुए निकलते हैं, अरे तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, अपने प्राणों को देने आ गया, बलि चढ़ने आया है अपने आप को। भगवान कहते हैं मोह तो है लेकिन कुछ कारण बस आया हूं। बोले क्या कारण है, बोले ये मणि दे दो। तो ऋक्षराज ने कहा भाई ये मणि तो हम बलपूर्वक युद्ध करके लेकर आए हैं इस मणि को, और यदि इस मणि को चाहिए तो हमारे साथ युद्ध करो, क्योंकि जामवंत जी को पता नहीं था
लड़ गए महाराज भगवान से, कई दिनों तक लड़ते रहे। और जब भगवान ने अपने दिव्य घूसे का प्रहार किया महाराज, जैसे एक एक नस जामवंत जी की ढीली हो गई। उसी समय हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्योंकि हमारे शरीर पर चोट पहुंचाने वाला अगर समस्त ब्रह्मांड में कोई है तो वो हमारे राम है। श्री हरि नारायण के अलावा किसी और का बल हमारे ऊपर इतना हावी नहीं हो सकता महाराज, किसी के भुजाओं में इतना ताकत नहीं कि वो हमारे को चोट पहुंचा सके। आप श्री हरि नारायण है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान कहते हैं याद करो, लंका में तुमने कहा था मेरा मन नहीं भरा युद्ध से, तो हमने उसी समय कहा था कि आने वाले युग में द्वापर में, द्वापर के उत्तरार्ध में कृष्ण अवतार में द्वारकाधीश बनकर आऊंगा, तुम्हारे से स्वयं युद्ध करूंगा, अपनी मनसा पूरा कर लेना। जामवंत जी ने कहा कि मनसा पूरी करने के चक्कर में तो प्राण ही चले जाते, बच गए वही बहुत है हमारे। बोले हमको ऐसे नहीं, हमको आप उसी रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में मैं आपके साथ रहा हूँ। भगवान उसी समय धनुष बाण लेकर के भगवती जानकी जी और भैया लक्ष्मण के साथ दिव्य दर्शन देते हैं। बार बार श्री जामवंत जी भगवान की स्तुति करते हैं। ध्यायेद जान बाहुं धृत सर धनुषंबद्ध पद्मासनस्थं पीतम वासो वसा नम नव कमल दल अस्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांग रूढ़ सीता मुख कमल मिलल लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम ददत मुरजटा मंडलम श्री रामचंद्रम। बार बार भगवान श्री राम की स्तुति आदि करते हैं। भगवान ने कहा इसी मणि के लिए हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ, इसी मणि को दे दो। और इधर जब कई दिन बीत गया, भगवान गुफा से नहीं निकले, तो जो सैनिक आए थे वो महाराज वापस द्वारका चले गए। और द्वारका जा करके वहां नंद बाबा अग्रसेन जी महाराज हैं, सबको वसुदेव जी को खबर देते हैं कि द्वारकाधीश एक बड़े अंधकार में गुफा में प्रवेश कर गए हैं, कई दिन हो गया वहां से निकल नहीं सके। तो बड़े चिंतित हुए महाराज सब द्वारिकावास, और सत्राजित को खड़ी खोटी खूब कहते हैं। नारद जी आते हैं और नारद जी की अगुवाई में भगवान के पिता श्री वसुदेव जी देवी भागवत का आयोजन करते हैं। श्रीमद देवी भागवत का उदय यहीं से होता है महाराज, प्रथम देवी भागवत। नारद जी ने वासुदेव जी को सुनाया है, किस लिए? भगवान सकुशल जहां कहीं भी हैं लौट करके आ जाए, इसलिए भगवती का शरण लिया गया। बार बार सभी द्वारकावासी मिल करके भगवती के उस देवी भागवत का यज्ञ का आनंद ले रहे हैं, और महाराज इधर हवन का भी कार्यक्रम चल रहे हैं। बार बार मैया को मना रहे हैं। जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम, मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम, मेरी मात भवानी तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, जगदम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, मेरी अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम, हे अम्बे मैया तुम्हें प्रणाम। बार बार मैया को बना रहे महाराज। और जामवंत जी ने कहा कि मैं मणि देने के लिए तैयार हूँ प्रभु, लेकिन इस मणि के साथ में आप हमारे इस जामवंती कन्या का वरण कर लीजिए, पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए, और ये मणि महाराज इस भेंट में ले जाइए, दहेज में ले जाइए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। भगवती जामवंती को लेकर के और द्वारिका जी में प्रकट होते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की,
आचार्यों की अगुवाई में यहाँ भगवान का दूसरा विवाह जामुंती जी के साथ में संपन्न किया गया। अब सत्राजित को भगवान ने बुलवाया। सत्राजित आया महाराज, सिर झुकाए खड़ा हुआ, बोला द्वारिकाधीश मैं तो बहुत लज्जित हूँ, आपको बड़ा उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा ये रही आपकी मणि, ले जाओ, जिसका धन गया उसका धर्म भी गया, इसीलिए तुमने कहा सब कुछ भाई। तो सत्राजित ने कहा हे प्रभु यह मणि आप अपने पास ही रख लीजिए और हमारी सुंदर कन्या सत्यभामा है उसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए और मणि मैं आपको भेंट में देता हूँ। भगवान ने बाबा की अगुवाई में तीसरा विवाह संपन्न करते हैं मैया सत्यभामा के साथ में। यहाँ भगवान के तीन विवाह महाराज हो चुके हैं। समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारिका से निकल करके वन की ओर गए, हस्तिनापुर आए थे, भगवान भी साथ में ही थे। तो कालिंदी नदी श्री यमुना जी मध्य में पड़ती है। यमुना जी के तट पर क्या देखते हैं कि कालिंदी नाम की एक सुंदर कन्या बैठ करके तप कर रही है। अर्जुन को बड़ी जोर की प्यास लगी थी, अर्जुन तट पर गए महाराज। तो जब तट पर पहुंचे तो वहां उस कन्या को देखते हैं, वो केवल श्री कृष्ण ही जप रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो? वह कहती है महाराज मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, भगवान द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन सारा वृतांत आकर के भगवान से कहते हैं और भगवान जब हस्तिनापुर से लौटे तो साथ में कालिंदी को लेकर के और द्वारिका गए, वहां भगवान का चतुर्थ विवाह संपन्न हुआ कालिंदी के साथ। चार विवाह हुए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद थे, वह दुर्योधन के बड़े अनुयायी थे, मित्र भी थे, लेकिन उसमें उन राजा की एक बहन थी मित्र वृंदा। वहां उज्जैन में स्वयंवर रचा हुआ था। स्वयंवर में क्या हुआ कि वरमाला लेकर के मृत वृंदा घूम रही थी, कोई हमारे योग्य वर मिले जिसका वरण करूं, उसी स्वयंवर में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश भी विराजमान हो जाते हैं। जब भगवान पहुंचे तो मित्र वृंदा ने देखा कि स्वयं द्वारिकाधीश आए हैं और ला करके वरमाला भगवान के गले में डाल दिया। यहाँ भगवान का पांच विवाह संपन्न हुआ महाराज, अवंतिका नगरी उज्जैन में। सुखदेव जी कहते हैं राजन कौशल देश के राजा नग्नजीत और उनकी सुंदर कन्या है सत्या। राजा की प्रतिज्ञा थी कौशल प्रदेश में बड़ा खूंखार बैल था सांड, बोले इसको यदि कोई पछाड़ दे और उसके बाद नाथ लगावे उसके साथ मैं अपने कन्या सत्या का वरण करूं। कई राजा परास्त हो गए, उसके सामने टिकी नहीं पाए। भगवान द्वारिकाधीश देखते देखते ऐसे घूसे का प्रहार किए कि महाराज उस सांड का सिर चकरा गया और चकरा करके गिर पड़ा। जब गिरा भगवान उसके नाक में फांस डाल देते हैं। यहाँ भगवान अपना छठवां विवाह सत्या के साथ में संपन्न करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन और सुनिए भगवान कितने लीला करने वाले हैं। भगवान कृष्ण की बुआ श्रुति कीर्ति हैं और उनकी कन्या है भद्रा, उसके भाई संतर्दन आदि भगवान श्री कृष्ण के साथ में भी विवाह संपन्न करवा दिए। यहाँ भगवान का सात विवाह संपन्न हो गया हमारा। ये जितनी कन्याएं हैं जो भगवान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा, ये भगवान के ही अंश से उत्पन्न हुई थी हमारा। ये शक्तियां हैं, ये तो केवल एक बाहरी जनमानस के लिए है कि फलाने राजा की लड़की है, लेकिन है वो भगवान की ही अंश, क्योंकि वह भक्ति है और भक्ति भगवान को ही प्राप्त होती है, तीसरे को प्राप्त नहीं हो सकती। यही गुरुदेव भगवान बार बार बतलाते हैं। मध्य प्रदेश के राजा हैं महाराज, उनकी एक सुंदर कन्या है लक्ष्मणा, वह बड़ी ही सुलक्षण थी, वह भी भगवान को अपने मन में पति रूप में
पाने का बार बार संकल्प किया तब किया, भगवान स्वयंवर के मध्य में ही आकर के और बलपूर्वक हरण करके ले जाते हैं। यहाँ भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए महाराज। ये तो 8 विवाह भगवान जा जा करके अलग अलग जगह पे किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब सुनिए भगवान का विवाह कितना होता है। एक बार भौमासुर अर्थात नरकासुर नाम का एक दैत्य है, उसने देवताओं की माता अदिति के कुंडल और मणि पर्वत नामक जो स्थान है वह देवताओं से छीन लिया। प्रयाग ज्योतिषपुर में निवास करता है। अब देवता महाराज दुखी हो गए कि हमारे माता के कवच कुंडल चले गए, हमारा मणि नाम का पर्वत भी चला गया। तो वे इंद्र समेत कई देवता आकर के भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने क्या किया, गरुड़ पर सवार होकर के सत्यभामा जी को लेकर स्वयं प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान के साथ कई सेना भी गई है। प्रयाग ज्योतिषपुर महाराज भौमासुर की राजधानी ऐसी है कि उसके राजधानी के बाहर बाहर दीवार बनाए गए थे, और वो ऐसे दीवार दिखने में दीवार नहीं थी, बिजली की दीवार थी। अगर कोई जाना चाहे वे जल करके भस्म हो जाता था, इतनी दिव्य वहां पे बिजलियां उत्पन्न होती रहती थी। लेकिन भगवान ने अपने एक ही गरुड़ जी के वेग से उन बिजलियों का जो प्रभाव है वह समाप्त कर देते हैं, क्योंकि गरुड़ जी के पंख से महाराज पता नहीं कितने किलो वाट बिजली उत्पन्न होती होगी, हजारों में। अगर गरुड़ जी अभी यहाँ से कुछ ऊंचाई पे उड़ जाएं, 10-20 हजार किलोमीटर की ऊंचाई से, तो भी पृथ्वी लोक के जो मकान हैं, वृक्ष हैं, ये सब उखड़ करके चले जाएंगे उनके पंख के वेग से। इसलिए से वह यहाँ कभी नजदीक आते ही नहीं है, वह तो केवल सत्य लोक में ही भगवान को लेकर के घूमते हैं। तो भगवान प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं और बड़े वीर वीर महाराज राक्षस हैं वहां पर। भगवान की सेना भी खूब मारती है उन राक्षसों की। भगवान अपने दिव्य बाणों का प्रहार करते हैं और देखते देखते कई पुत्र थे उस नरकासुर के महाराज। एक मुर नाम का भी राक्षस था, उसके 7 लड़के अत्यंत बलशाली थे। उन 7 का भगवान ने एक ही बार में सिर को धन से अलग कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जब नरकासुर ने देखा कि हमारी तो सारी सेना मारी जा चुकी है, तो भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, और जैसे भगवान की ओर दौड़ता है, भगवान अपना चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं और देखते देखते नरकासुर के सिर को महाराज काट करके भस्म कर देता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान देवताओं पर कृपा किए, और जब बंदी गृह की ओर पहुंचते हैं जहां कारागार बना हुआ है नरकासुर का, वहां देखे कितने ऋषि मुनि वेद पाठी ब्राह्मणों को उसने कैद कर रखा था, उन सब को आजाद करवाते हैं। और एक अलग और बंदी गृह बना हुआ है, उसमें केवल राजकुमारियों को बंद कर रखा था। कई महाराज दूर दूर देश और प्रदेश की राजकुमारियों को 16,100, भागवत जी में 16,000 और स्कंद पुराण के अनुसार 16,100 राजकुमारी उस कारागार में बंद थी। भगवान ने सबको वहां से मुक्त करवाया। जब मुक्त करवाते हैं तो राजकुमारियों ने कहा, हे द्वारिकाधीश अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको 6 महीने हो गया घर से निकले हुए, और यदि हम लौट करके जाएंगे तो क्या समाज हमारे को स्वीकार करेगा कि 6 महीने बाद लड़की अनजान होकर के घूम करके आई है, न जाने कहां की इस स्थिति में रहे होगी। एक तो हमारे माता पिता की बेइज्जती, लोग खानदान छोड़ देंगे, समाज की ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं, दूसरा हमारे से कोई विवाह नहीं करेगा, तो भला हम कैसे जिएंगे। अब हमारा कोई नहीं रहा, अब हम लोगों ने एक ही फैसला किया है, श्री यमुना जी में जा करके और अपनी प्राणायाम के माध्यम से श्री हरि नारायण में लीन हो जाएंगी, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे।
भगवान ने कहा जिनका कोई नहीं होता उनका नारायण होता है श्री हरि, और जिनके कोई नहीं है उनका मैं हूँ। भगवान सबको स्वीकार करते हैं महाराज। बार बार जो राजकुमारियां थी भगवान को धन्यवाद करती हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करती हैं। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा गिरवर उठाने वाले मुरली बजाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बार बार भगवान को पुकार रही हैं, मुरली बजाने वाले हैं प्रभु। और मैं जब अपने आप में थी तो ढूंढ लिया जग सारा, मैंने दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया, ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तब तू दिल बीच समाया, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, जो दिल को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। भव पार करने वाले बाके बिहारी हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भव पार करने वाले बाके बिहारी हमारे मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। गिरवर उठाने वाले मुरली बजाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ऐसे महाराज दिव्य भाव में उन राजकुमारियों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ने कृपा की और सबके साथ में अपना सुंदर समय व्यतीत करते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा जितनी रानियां हैं भगवान की 16,100 इकट्ठे मिली और 8 को अलग अलग से विवाह किए, इसलिए 16,108 रानियां हैं भगवान की, और उतने ही स्वरूप भगवान धारण करके सबके साथ समय व्यतीत करते हैं। प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ, ऐसे महाराज भगवान के वंश आगे बढ़ते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन भगवान के वंश के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी और शाम्ब, ये दोनों यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए एक वन में गए थे। वहां पर इन्होंने क्या देखा कि इनको जोर की प्यास लगी, तो बोले कोई कुआं वगैरह हो आसपास में वही चलकर प्यास बुझावे। एक कुएं के पास गए तो उसमें देखते हैं बहुत बड़ा सा विशाल एक गिरगिट पड़ा हुआ है, वह निकलने का प्रयास कर रहा लेकिन निकल नहीं पा रहा है। ये दोनों देख करके घबरा गए और वहां से लौट कर आए भगवान द्वारिकाधीश के पास, और जो दृश्य देखा उसका भगवान के सम्मुख खड़े होकर के पूरा वृतांत बताते हैं। इतने डरे हुए थे महाराज की बता नहीं पा रहे पूरी तरह से। भगवान ने कहा चलिए अभी देखते हैं। भगवान भी उसी उपवन में कुएं के पास गए। भगवान ने क्या किया, देखते ही देखते उस गिरगिट को हाथ महाराज बढ़ा करके और पकड़ कर बाहर कर देते हैं।
जैसे भगवान का कर कमल लगा वह गिरिगिट मनुष्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति करके परम धाम की ओर गति करता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान के जय हो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वह गिरिगिट इच्छा का पुत्र नृग था, जिसको राजा नृग के नाम से भी जानते हैं। एक दिन क्या हुआ था कि उसके गौशाला में किसी तपस्वी की गौ आ गई थी, दूसरे की गौ। अब इसने अज्ञानवश क्या किया, उस गौ को भी अपने गौओं के बीच में दान कर दिया। गौ को दान कर रहा था, अब उसे पता नहीं कि हमारे गौओं के मध्य किसी और की भी गौ है, उसने उस गौ को भी दान कर दिया। इसी कारण से महाराज वह गिरगिट बन गया। भागवत धर्म कहती दूसरे के धन को अगर खाओगे, दूसरे के हिस्से को हड़प करोगे तो गिरगिट बनोगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसीलिए महाराज कहते दूसरे का धन नहीं खाना चाहिए, अन्यथा गिरगिट बनता है जीव। ये कथाओं का प्रमाण है। समय बीतता गया, भगवान अपने पुत्रों को गुरुदेवों के पास भेजते हैं, गुरुकुल आदि शिक्षा अध्ययन के लिए। और कई बार भगवान यज्ञ का आयोजन करते हैं, जो सत्य है उसको जानने की क्या परिभाषा है, क्या विधि है, इसकी शिक्षा देते हैं। सत्य को पहचानने के लिए एकाग्र होना पड़ता हमारा। कई बार 10-20 लोग कह दें तो वो लोग बोलते कि अगर भाई इतने लोग कह रहे हैं तो सत्य ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव भगवान बतलाते थे कि कोई व्यक्ति था, लड़ाई में क्या हुआ, उसकी नाक कट गई। लड़ाई में कहीं जाने अनजाने में कैसे क्या हुआ, नाक कट गई। अब जब उसकी नाक कट गई तो जिधर से निकले लोग कहें नकटे दादा आ रहे, भाई नाक ही नहीं है, नकटे ताऊ आ रहे, नकटे चाचा आ रहे, लड़के देखे नकटे बाबा आ रहे। अच्छा अगर कान वगैरह कटे तो टोपी लगा ले, अब नाक कटे तो छुपाए कैसे। तो सोचा बड़ी समस्या हुई, अब क्या करें इसके लिए, विचार करने लगा हमारा। तो बोला अब सब कर्म से हारे तो बाबा बने बेचारे, बोला संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, साधु बन गया। अच्छा जब साधु बन गया तो भी लोग पीछा नहीं छोड़े, बोले नकटे स्वामी जी आए, गांव वाले हल्ला करे, नकटे बाबा जी आए, नकटे स्वामी जी, नकटे महात्मा जी। अब महाराज इतना फैल गया उसका नाम, लोग नाम भूल गए, नकटे ही नाम से जानने लगे। किसी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ स्वामी जी, आपकी नाक कटी कैसे। अब इसने कहा नाक कटी नहीं, हमने काट दी। बोले भला कोई अपना नाक काटता महाराज, क्या बात करते। बोला नहीं आप नहीं जानते हो, हम तब किए भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा हमारे लिए क्या कर सकते हो, तो हमने कहा गौ तो सिर काट के चढ़ा दे, तो भगवान ने कहा नहीं सिर मत चढ़ाओ, नाक काट के चढ़ा, तो हमने नाक काट के भगवान को चढ़ा दिया। तो बोले नाक काटने से हुआ क्या। बोले भगवान ने कहा था अगर नाक काट के चढ़ा दोगे तो हम तुमको हर क्षण दर्शन देते रहेंगे, और क्या। ये देखो भगवान खड़े हुए, ये खड़े भगवान, इधर खड़े भगवान। अब जो पास में खड़ा व्यक्ति था वह विचार करने लगा क्या सच में भगवान दिखाई पड़ते हैं। बोला और क्या, ऐसे थोड़ी नाक काट दिए हैं, अगर दिखते नहीं तो भला नाक काटते, नाक काट दिया भगवान दिख रहे। और एक और बात बोले थे कि जिनके तुम काट दोगे उनको भी दिखेंगे। अब बताइए महाराज, तो उसने कहा फिर हमारा भी काट दो स्वामी जी, हम भी भगवान को देखें, नाक जाए सो जाए भगवान का दर्शन तो होगा। विचार करने लगा तो इसने कहा नहीं काहे को नाक कटवाना, भगवान को देखकर क्या करोगे। बोला नहीं स्वामी जी काट ही दो आप। अब महाराज धारदार छुरी लिया और थड़ाक से नाक काट दिया। अब जब नाक कट गया तो इधर उधर देखे नाक कटवा के कि भगवान तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अब पूछा महाराज स्वामी जी ये बताइए भगवान कब दिखेंगे।
तो बोला कि भगवान दिखेंगे नहीं, तो बोले आप तो आपको दिख रहे थे, बोले हमको भी नहीं दिखते, एक से भले दो, अब लोग हमको नक्टा कहते थे, अब तुमको भी नक्टा कहेंगे, ऐसा महाराज। अच्छा अब दूसरा व्यक्ति जब गांव में निकले वो भी नक्टा ही नाम से जाना जाने लगा। अब ये दो मिल करके महाराज एक योजना बनाए कि नाक कटवाओ भगवान का दर्शन करो। चल पड़ी महाराज मंडली, नाक कटवाओ भगवान का दर्शन करो। अच्छा कभी कभी नया नया चीज निकलता ना, लोग फैला देते हैं, ये कर दो वो कर दो, कहीं पे वो हुआ है। तो ये दो मिलकर के महाराज एक ही और नाक काट दिए, तीन हो गए, और तीन क्या ऐसा प्रचार किए कि तीन से 300 हो गए, पूरे गांव की नाक कटवा दिया इन लोगों ने। अच्छा जिसकी नाक कट जाए वो फिर बोले नहीं कि हाँ नाक कटवाओगे भगवान नहीं दिखेंगे, वो अपनी नाक बचाने के चक्कर में दूसरी की और नाक कटवाते, और लोग विश्वास भी कर ले। महाराज नक्टों की मंडली चल पड़ी, नक्टा युवा मंडली, अब इनका जगह जगह प्रवचन होने लगा, जगह जगह इनका संगठन बन गया पूरा, नक्टों का संगठन। अच्छा लोग विश्वास भी कर ले। देखिए प्रचार इतना हावी होता है कि अगर उस वस्तु का अच्छी तरह से एडवर्टाइज हो जाए, प्रचार हो जाए, वो कितनी ही महाराज कैसी ही वस्तु क्यों ना हो, उसको बिकना ही बिकना है जाने। ये 300 करते करते 3000 हो गए, बड़े बड़े चेले महाराज जुड़ गए। अब लोग विश्वास करें, अरे अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इतने लोग थोड़ी इकट्ठा होकर के नाक कटवाते, जरूर कोई ना कोई बात है। तो बड़ा महाराज पस्त कर दिया पूरे क्षेत्र में। एक व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई कि हमारी कटी सुकटी औरों की तो बचा लें। उसने कहा भाई नाक मत कटवाना, कोई भगवान नहीं दिखने वाले। अरे भगवान भक्ति भाव भजन से मिलते कि नाक कटवाने से मिलते हैं, मूर्खता करते हो। तो जाकर के लोगों का कल्याण हुआ महाराज, जिनका कट गया वो पछताए। तो इन्होंने क्या किया कि महाराज देखते ही देखते अपनी जो गलतियां किए उसको माफी भी मांगते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं भीड़ में ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, भीड़ में एक ही होता है भाड़, भीड़ और भाड़, इन पे बहुत ज्यादा विश्वास करके नहीं चलना चाहिए। भगवान के आचार्यों के बनाए हुए परंपरा के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। स्वयं जो है संदर्भ को विषय को समझ करके चिंतन करके फिर उनपे विश्वास करना चाहिए, यही बुद्धिमानी है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन समय बीतता गया, भगवान देखिए भाई बादल आ गए हैं, बारिश होगी हमारे आपके बीच में, अब असमर्थता रही है, गत 6 दिनों तक तो कथा हुई, आज भगवान को क्या मंजूर था वही जाने, क्योंकि देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो जलवृष्टि ही करते हैं। तो भगवान की इच्छा प्रकृति के सामने किसी का चलता नहीं है। और आइए संक्षिप्त रूप से आरती करते हैं, विराम करेंगे। चलिए भगवान की कृपा हुई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन भगवान अपने भक्तों पर नाना प्रकार से कृपा करते हैं, और भगवान के बड़े प्रिय मित्र हुए हैं श्री सुदामा जी। भगवान ने देखते देखते सुदामा जी पे कृपा किया, त्रैलोक का यश वैभव आदि सब उनको प्रदान करवाते हैं। और इधर परीक्षित जी ने क्या कहा कि हे महाराज भगवान कितने समय तक रुके, तो बोले भगवान से काल ने आकर के स्वयं प्रार्थना किया कि हे प्रभु अब आप कितने समय मृतलोक में चलेंगे रहेंगे, आपके बगैर बैकुंठ सुना है। भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण करके पार्थिव शरीर छोड़ करके बैकुंठ की ओर गमन करते हैं। देवता इंद्र आदि सब भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना करते हैं। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे, नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे।
नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे निज भगतन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे निज भगतन के प्रतिपाल जय जगदीश हरे निज भगतन के प्रतिपाल जगदीश हरे प्रभु जाते अपने धाम जय जगदीश हरे प्रभु जाते अपने धाम जय जगदीश हरे प्रभु जाते अपने धाम जय जगदीश हरे बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस भागवत कथा में आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भगवान आप सब पर दिन प्रतिदिन कृपा बरसाते रहें, आपके चौखट को महाराज कभी संकट छूने ना पाए। व्यासपीठ से आप सबके लिए बारंबार भगवान से प्रार्थना है, विनती है, और इस दास से महाराज अगर कभी कोई गलती रही हो इन 6 दिवस की कथा में तो अपना बेटा भाई बालक मानकर क्षमा करना, क्योंकि जो ज्यादा बोलता गलतियां हो जाती, अन्यथा हम कौन होते भागवत करने वाले। जो हमारे गुरुदेव ने सिखाया वो हम आप सबके सामने वाचन करते हैं। आइए भगवान की आरती करेंगे, इसके पश्चात में फिर हमारे वरिष्ठ भैया कुलदीप पांडे जी यज्ञ पंडाल में आवेंगे और कुल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान अभी और बैठाना चाहते हैं हमारे आपको, ये भगवान की कृपा है। मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम मुकुट धर मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है, मुकुट कर मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, ललित ललित जहाँ नीला नव नव ललित ललित जहाँ लीला नव ललित ललित जहाँ लीला नव नव मुनिगण मन न विमोहन शीला, मुनिगण मन मन मोहित शीला, मुनिगण मन न विमोहन शीला, मुनिगण मन न विमोहन शीला, पर से नित नव नेहर शीला, पर से नित नव नेहर शीला, कंचन भवन प्रमोद विपिन की शोभा न्यारी है, कंचन भवन विमोद विपिन की शोभा न्यारी है, मेरो अवध धाम मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है, मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुट मणि मंगलकारी है। महाराज ये अवध धाम की महिमा है। आइए सुदामा जी के प्रसंग को श्रवण कर लेंगे। भगवान नारायण की इच्छा
भगवान बड़ी तगड़ी परीक्षाएं लेते हैं महाराज, अब लेते हैं पूजा। हरिओम हरिया मेरे राम, तरस गई अखियां। आओ मेरे राम तरस गई अखियां, आओ मेरे राम तरस गई अखियां, आओ मेरे राम। ये तरस गई अखियां, तरस गई अखियां, तरस गई तरस गई। आरती कर लेते हैं, अगर मौसम खुल गया तो हम लोग कथा श्रवण कर लेंगे। भगवान की कथा किसी भी समय किया जा सकता है। खड़े हो जाएं अपने जगह पे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ओम हरि ओम, ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो जायत, श्रोत्रादाय प्राणस्य मुखाय निर्जायत। ओम आर्तिक्यां समर्पयामि। हरिओम हरिओम। चलिए ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संग छड़े में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन यारी न दूजा, तुम बिन यारी न दूजा। हे आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। ये मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक खल कामी, कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक या दो चर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मति। ओम जय जगदीश हरे। दुख हरता तुम ठा
ठाकुर मेरे ठाकुर मेरे ये अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ हर द्वार बड़ा मैं तेरे ओ जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा पाप हरो देवा ये श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजे गहारम सदा वसंत हृदय अरविंद भवम भवानी सहितम नमामि नीला पूज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे पुष्पांजलि समर्पयामि नहि विद्या नहि बाहुबल नहि घर चले गोदान तुलसी ऐसे दास की पति राखो भगवान एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध राम नगरिया राम की बस सार ज्योतिर अचल राज महाराज को चौकी हनुमत वीर सब ही का है अपने अपने घरण की वीर तुम्हें भीर सब घरण की धन रहो वीर बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए श्री सीताराम की जय हो बोलिए राधे श्याम भगवान की जय हो बोलिए कन्हैया लाल की जय हो बोलिए बांके विहार
बिहारी लाल की जय हो, बोलिए नटवर गिरधारी की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो, बोलिए सद बोलो सत्संग धरा धाम की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की जय हो, बोलिए ग्राम देवता की जय हो, बोलिए इष्ट देवता की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए सरूरपुर की काली माई की जय हो, बोलिए गंगा जी महारानी की जय हो, बोलो चारों धाम की जय हो, बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय हो, बोलिए गया जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो, बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो, बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो, केदारनाथ की जय हो, बोलिए वैद्यनाथ की जय हो, बोलिए भीम शंकर भगवान की जय हो, बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एक बार आप लोग अपने जगह पर दाहिनी तरफ से परिक्रमा कर लें, यानि कानि जा पापानि जन्मांतर कृतानि जा तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतिक्षणं पदे पदे, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रजशान्ति प्रजाशान्ति शान्ति तथैव च यजमानस्य गृहशान्ति शान्ति गौ ब्राह्मण। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओम हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्टिषु शान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भूतेभ्यो नमस्कारं समर्पयामि मंगलम। हरि ओम। सभी भैया लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। इंद्रदेव कृपा कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। ऐसा लगता है कि कथा श्रवण करने को मिलेगा, चाहे एक घंटा ही मिले, बारिश अभी उतनी तेज नहीं। आरती इसलिए करा दिया गया कि महाराज जी प्रवचन बोलेंगे, यदि बारिश आती है तो हम लोग अपने अपने स्थान पर हो जाएंगे। आरती हो गई है, आरती हो जाने का मतलब ये नहीं कि प्रवचन नहीं होगा, प्रवचन यथावत होगा। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हमारे बीच में हमारी इस ग्राम सभा के बड़े दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों का, डेली गिरधर से आए हुए छत्रिय कुलभूषण बाबू राजेंद्र सिंह जी, बाबू ज्वाला सिंह जी व उनके अनुज भी आज पधारे हुए हैं, सबका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। और हमारे बीच में ग्राम पंचायत तेंदा के ग्राम प्रधान राजू करौजिया जी व भाई जयराम यादव जी, जो LIC जीवन बीमा के बहुत बड़े